Hey guys, assalamu alaikum and welcome to my channel and those who all are new to my channel, this is Marzina Khan. तो आज है ईद, तो मेरे तरफ से आप सबको ईद मुबारक। जैसे कि मैं लाइव मेकअप सेशन आज करने वाली थी आपके लिए ईद लुक पे, बट कोई रीजन के वजह से वो नहीं हो पाया, तो मैं आई हूँ यहाँ पर मेकअप ब्लॉग बनाने। बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना मेकअप ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले हम लगाएंगे मॉइस्चराइजर, जो मेरा फेवरेट है, निविया सॉफ्ट। तो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि मेकअप करने से पहले आप अपने स्किन को अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज करें। तो मेरा फेवरेट है निविया सॉफ्ट, जो कि मैं हमेशा अप्लाई करती हूँ अपने मेकअप से पहले और अच्छे से इवनली उसको स्प्रेड करती हूँ ऑल ओवर माय फेस। तो द सेकेंड पार्ट इज़ कंसीलर। तो हमेशा मॉइस्चराइज करने के बाद मैं अपने अंडर आई को कंसील करती हूँ कंसीलर से इवनली ऑन बोथ द साइड, और फिर आपको उसको अच्छे से ब्लेंडर से लेके उसे ब्लेंड करना है। एंड मेक श्योर कि आप अपने डार्क स्पॉट को भी कंसील करें, जहाँ जहाँ आपको पिंपल मार्क्स है आप उसको भी कंसील कर सकते हो और ब्लेंडर से अच्छी तरीके से लाइट हैंड से ब्लेंड कर सकते हो। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपका ब्लेंडर क्लीन भी है तो भी उसे यूज़ करने से पहले एक बार वॉश करो, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और आप देख सकते हो कितने अच्छी तरीके से फिर वो ब्लेंड होता है। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है फाउंडेशन, जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का शेड नंबर 118। इसे भी आपको थोड़ा सा अमाउंट लेना है और बहुत अच्छी तरीके से अपने फेस पे ब्लेंड करना है। तो नेक्स्ट स्टेप है कॉम्पैक्ट। तो मैं अपने लिक्विड फाउंडेशन को कॉम्पैक्ट से सेट करती हूँ, जो कि है मेबलिन 120 शेड नंबर। तो आपको अपने कॉम्पैक्ट स्पंज को हमेशा डैप करना है, उसे स्क्रैच या बहुत ज़ोर से हार्शली नहीं खींचना है, बस डैप करना है। उसके बाद हम आईब्रो लगाएंगे, और सबसे पहले मैं अपने आईब्रो को ब्रश करती हूँ ताकि वो फाउंडेशन का डस्ट पार्ट निकल जाए। और ये लगा रही हूँ मैं अपना आईब्रो, जो कि है डार्क ब्राउन शेड में। तो आपको बहुत ही केयरफुली करना है, जैसे आप ड्राइंग कैसे करते हो वैसे, बट हाँ, जहाँ तक आपका आईब्रो है वहीं तक आपको लाइन ड्रॉ करना है, अंदर का फिल करके आगे का बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। अभी मैं हुला का पाउडर कंटूर लगा रही हूँ, जो कि मैं बहुत ही कम लगाती हूँ, बस खाली थोड़ा सा अपना फेस को शार्पनेस देना है। तो अभी मैं ब्लश ऑन लगा रही हूँ, जो कि है कलर एसेंस का न्यू शेड में, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट है और बहुत ही नेचुरल लुक देता है। स्टेप है हाइलाइटर, और ये मैं मेकअप करते करते खो गई थी और मैं भूल गई थी कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये मुझे याद आया और मैं फिर से भूल जाऊँगी। अभी मैं लिपस्टिक लगाने वाली हूँ, जो कि है कैट वॉन डी की, जो कि मेरे आउटफिट से पूरी मैच करती है। ओके, सो नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, मैं अपना आई मेकअप करने वाली हूँ। तो मैं यूज़ कर रही हूँ हुदा ब्यूटी का मर्क्यूरी पैलेट, जिसमें से मैंने बहुत ही लाइट पीच शेड लिया है, जो कि मेरे आउटफिट यानी कि दुपट्टे से मैच करता है। तो जैसे आप देख सकते हो, ये जो ट्रांजेक्शन शेड है बहुत ही लाइट है, तो आप हमेशा अपने ट्रांजेक्शन शेड को हमेशा लाइट रखें, और फिर आप अपने क्रीज पार्ट में या तो स्मोकी आई देने के लिए डार्क कर सकते हो, या तो कोई लाइट या शिवर शेड यूज़ कर सकते हो। और मेक श्योर करिए कि आप इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रहे हो। और अब मैं इसे क्रीज लाइन बना रही हूँ। मैंने लिया है थोड़ा सा फ्लैट ब्रश में कंसीलर, और मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है, थोड़ा अंदर फिल कर रही हूँ मैं। बहुत ही लाइट यूज़ करना है, वरना आपका क्रीज पार्ट बहुत पैची लगेगा। आपको बहुत ही लाइट हैंड से करना है। और फिर मैंने क्रीज पार्ट के लिए बहुत ही लाइट शेड चूज़ किया है, जो कि मैं बहुत ही लाइट फिंगर से उसे डैप कर रही हूँ, और ये हमारा आई लुक कम्प्लीट हो गया है। तो अब हम अपना आई लैशेस लगाएंगे। तो हमने अपना आई लैशेस लगा लिया है, तो मैंने मैग्नेटिक आई लैश लगाया, जो बहुत ही कम्फर्टेबल है। तो अब हम सेटिंग स्प्रे लगाएंगे, जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लो एसेंशियल का, और लिटरली इसे लगाने के बाद बहुत ही अच्छा ग्लो आता है। तो हमारा मेकअप हो गया है, तो हम अभी थोड़ा अपना बाल सेट करेंगे। तो मैं स्ट्रेटनिंग कर रही हूँ, तो मैं यूज़ करती हूँ आइकॉनिक प्रोफेशनल का स्ट्रेटनिंग मशीन, जो कि बहुत ही अच्छी है, आपके बालों को ज़रा भी डैमेज नहीं करती है और बहुत ही अच्छा शाइन देती है।
तो हमारी स्ट्रेटनिंग हो चुकी है, बट थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, तो मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही हूँ कि मैं अपने बालों को स्ट्रेट रखूँ या कर्ल्स करूँ। और फिर एट लास्ट मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने बालों को थोड़ा सा वेवी टच दूंगी। Alright guys, so this is my final look. और अगर आपको ये मेकअप लुक अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। अगर आपको और मेकअप डिटेल चाहिए रहेगा तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ये मेरी आईडी है। इसी के साथ मैं अलविदा लेती हूँ क्योंकि मुझे ईद लुक का फोटो भी खींचना है और लाइट डिम हो रही है, तो फिर दूसरे ब्लॉग में। अभी मैं लेती हूँ अलविदा, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। वंस अगेन ईद मुबारक एवरीवन, दुआ में याद रखना। दिस इज मर्जीना खान साइनिंग ऑफ।